हेलो स्टूडेंट्स, चलंतु स्टार्ट करिबा। तो आज आम देखिबा टॉपिक, नेक्स्ट जो सब टॉपिक अच्छी से हैला एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट देखिबा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कौन है जीवो? LCM of fractions is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominator ऐसे denominator है ना। तापर ऐसे बो कौन है? तापर ऐसे बो हमारो तो for example जो दिमु लिखी भी LCM of a by b, c by d और e by f। तो ये कौन है जीवो? ये है जीवो LCM of numerator a comma c comma e divided by हमारो HCF of denominator। HCF of denominator कौन है जीवो? b, d और f है ना। तो ये एग्जांपल है सब रे बुझिया पाएं। हमिति HCF of fractions कौन हो वो? यार जस्ट उल्टा। ता मीनिंग HCF of numerator divided by LCM of denominator। तो जदि किए पचारा एग्जाम्पल एच सी एफ ऑफ ए बाय बी कॉमा सी बाय डी कॉमा ई बाय एफ कौन हम तो दिस इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर बोले एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी डिवाइडेड बाय मोर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ है। तो गोटे एग्जाम्पल नबा बुझापी सुविधा हे। फॉर एग्जाम्पल जदि मत एलसीएम आउ एचसीएफ बाहर करियार अच्छे ये संख्यार है। तो जदि मु फर्स्ट एलसीएम बाहर करी तो एलसीएम कौन हम? एलसीएम हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कौन आस एलसीएम ऑफ 27, 9 आउ 6 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कौन आसो 50, 20 and 25 है। तो फर्स्ट एलसीएम बाहर करवा एलसीएम के हम तो ये 27 अच्छी तो 27 भितर न रहिबो तो 27 को एज इट इज लिखिद तो 27 भितर न रहिबो। तापर 6टा कंप्लीटली डिविजिबल हबनी 27 साथे 3 अच्छी या भितर बाकी रहिगला केते 2 तो 2 है। एबे एठी देखिबा एचसीएफ एचसीएफ बोले सबुठ कम मिनिमम डिफरेंस केते अछि 5 अछि एंड 5 इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री नंबर्स। 5 50 रु भी डिविजिबल अछि 20 रु भी अछि 25 रु भी अछि तो मोर कोन हे जइबो 5 एचसीएफ आसीबो। तो दिस इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5 और ये मोर आंसर हे गला बोले एलसीएम ऑफ दीस फ्रैक्शंस। एबे एचसीएफ बाहर करबा तो एचसीएफ कोन होबा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर तो HCF of 27, 9, 6 divided by LCM of 50, 20 and 25 हला। तो HCF of this कौन है जीवो? Common कौन होची? सबूत्र common 3 होची तो HCF टा 3 ऐसी जीवो तले देखिबा। एबे LCM बाहर करिया रहची तो मु 50 को adjectives लिखी भी। एबे 50 रे एबे 20 देखे 20 रे 10 अछि 2 एक्स्ट्रा 10 अछि हला। 10 50 रु डिविजिबल हबो 20 टा 50 रु डिविजिबल हबोनी तो रही गला केते 2 एक्स्ट्रा रह गला तो ताकु मल्टीप्लाई कर देबा। ए 25 100 रु डिविजिबल होछि हां तमरो आंसर कोन होइबो 3/100। तो दिस इज माय आंसर हला। तो ये हे गला कोन हमरो एलसीएम ओ एचसीएफ रो फ्रैक्शंस रो एग्जांपल हैला। अबे आउ कुछ थ्योरी जिनस देखिबा थ्रू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन अछि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 150, 194 एंड 245
लीव्स रिमाइंडर सिक्स टू एंड फाइव। अच्छा एबे गोटे जिनस कौन अच्छी कि ए टाइप रो क्वेश्चन रे बही रे शॉर्टकट दे दीची बट मु आपन को डिटेल प्रोसेस बतौची तापर आपन शॉर्टकट देखिबे किमिति यूज होची। तो मते कौन कहूँ गोटे इमितिया संख्या कह जोटा जिते मुझे पचास शहे चौरानबे और दुई पैंचाश से थे डिवाइड करी है तो मत रिमाइंडर छ दुई आ पाँच मिलो है। तो ये नंबर टाक मु फॉर एग्जांपल एन नौ तो सी कौन कहला जो एन टाक शहे पचास साथे मुझे डिवाइड करुँच तो मत सम क्वेश्चन ए मिलूँ आ रिमाइंडर टा के छ एमती ही जदि मु एन टाक शहे चौरानबे साथ डिवाइड करुँच तो मत सम रिमाइंड सम क्वेश्चन बी मिलूँ आ रिमाइंडर के दुई एमती जदि मु एन टाक दुईश पैंचाश साथ डिवाइड करुँच तो मोर कौन हम सम क्वेश्चन सी मिलूँ आ रिमाइंडर मोर एक केस रे फाइव आसी जाऊँ तो शहे पचास को मुमती लिखिपरि एन ए प्लस सिक्स लिखिपरि शहे चौरानबे टाक कौन लिखिपरि शहे चौरानबे टाक लिखी एन बी प्लस टू है आई पैंचाशा को कौन लिखिपरि दुईश पैंचाशा को लिखिपरि एन सी प्लस फाइव है। तो या मीनिंग कौन है मत एन ए इज इक्वल टू 144 एन बी इज इक्वल टू मोर 192 कहीं एटा सिक्स माइनस हो सिक्स माइनस टू माइनस एन सी वैल्यू केते आस 240 क्लियर। तो एबे मते एन बाहर करियार अच्छी तो मुझे भल कि देखिले एन टा जो अच्छी एन रो जो वैल्यू अच्छी हेटा ए तीन टा नंबर रे कॉमन आसीबो तो कॉमन टा एक्चुअली कौन एच सी एफ अच्छी तो आम कौन करवा एच सी एफ बाहर करवा तो मोर आंसर टा कौन हम एन रो वैल्यू जो हम सी एच सी एफ ऑफ 144 192 और 240 एच सी एफ होला। तो कमी बाहर सेम प्रोसेस मिनिमम डिफरेंस देखा मिनिमम डिफरेंस के 48 अच्छी एवं 48 144 साथ डिविजिबल हो हाँ कहीं 48 थ्री जा 48 192 साथ डिविजिबल हो हाँ 48 फोर जा 44 240 साथ डिविजिबल हो हाँ 48 फाइव जा तो मोर कौन हो मोर एक केस रे रिमाइंडर टा आसीज 40 सॉरी एच सी एफ टा 48 आसीज एंड दिस इज माय आंसर है। जदि आपन को ये जिनसा कष्ट लगुच आप एमती भी करें 144 टा को मु कौन लिखिपर 144 टा को मु लिखिपरि 12 इंटू 12 192 टा को मु कौन लिखिपरि 16 इंटू 12 है तापरे 12 इंटू 20 240 टा को लिखिपरि। तो ये कॉमन जिनस कौन अच्छी कॉमन जिनस ये केस रु 12 आसीज ये जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट सॉरी सेकेंड टर्म आ ये फर्स्ट टर्म यही थ्रू ए बार कॉमन अच्छे होगा तापर आउ कॉमन बाहर कौन ये चार चार आउ चार कॉमन बाहर तो मोर चार दिस इज इक्वल टू 48 तो ये केस रे मोर आंसर 48 आस जीवो सो एन इज इक्वल टू 48 क्लियर। तो ये जिनसटा को मुझे जेनरलाइज मेथड रे जोटा बही रे गिवन अच्छी ताकू मुझे लिखुची तो जनरल फॉर्म कौन हम है जनरल फॉर्म हम कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग ए कॉमा बी कॉमा सी leaves remainders d comma e comma f respectively। तो यार आंसर कौन है जीवा यार आंसर है जीवा एच सी एफ ऑफ ए माइनस डी बी माइनस ई आउ सी माइनस एफ डायरेक्टली आंसर बाहर कर पारे एटी कौन कर 150 रु 6 सबस्ट्राक्ट कलु
तापरे 196 रो 2 सबस्ट्रैक्ट कलु 245 रो 5 सबस्ट्रैक्ट कलु तो जो वैल्यू आसला तार एचसीएफ बाहर कलु कि नहीं तो ये यार जनरल फॉर्म अच्छी तो एमती मन रखिपर बही रे एमती टाइप रे दिया बट एक्चुअल प्रोसेस कौन होची हेटा मु आपनको बुझेदेली ए वैरायटी रा आउट क्वेश्चन देखि देबा तो क्वेश्चन आला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 173 293 एंड 345 लीव्स रिमाइंडर 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली तोमर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल ताकु जदी मु एन नउची तो एन रो वैल्यू कोन आसीबो एच सी एफ ऑफ 173 माइनस 3 हैला माइनस तापरे कमा 293 माइनस 4 कमा मोर कौन है जीबो 345 माइनस 5 तो ये वैल्यू टाइप सुबह एचसीएफ ऑफ 170 289 और 340 हैला तो ये थ्रू मुझे जाना पड़ेगा लगे ये 17 सबूत्र है अच्छी इटा कौन लिखा है जी 17 इनटू 10 एटा लिखा है जी कौन 17 इनटू 17 एटा लिखा है जी 17 इनटू 20 तो मोर कॉमन जिंस कौन अछि सबुथरे 17 आ तो किछ कॉमन नाही तो मोर आंसर टा कोन हो जइबे केस रे 17 विल बी माय आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन किछ नाही खाली आपन को देखियार अछि मैनिपुलेट करियार अछि सॉल्व करियार अछि तापरे एथरे सेकंड वैरायटी आसुची कि मते जदी पछाला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 480 600 एंड 800 लीव्स द सेम रिमाइंडर हैला तो सेम जिंस अछि कि मते बे कोन पचरुची फॉर एग्जांपल ए नंबर टा एन नै जिबा ग्रेटेस्ट नंबर टा को एन नै जिबा एन को जे तळे मु 480 साथरे डिवाइड करुची से गोटे रिमाइंडर से गोटे क्वेश्चन ए आसुची और रिमाइंडर टा धरो आर आसिला जदि एन टा को मु 600 साथरे डिवाइड करुची तो मोर आउ गोटे क्वेश्चन बी आसीबो आउ सेम रिमाइंडर आर आसीबो एन टा को जदि मु 800 साथरे डिवाइड करुची तो मते सम क्वेश्चन सी आसीबो आर रिमाइंडर टा आर आसीबो हैला मु ए क्वेश्चंस गुरार डायरेक्ट फार्मूला दे परबी बट डायरेक्ट फार्मूला बुझे अपेक्षा ठीक है कौन कौन जिनस हो बुझीगले आमको सिंपल रहिबो हैला तो 480 टा को मु कौन लिखि परबी 480 टा को मु लिखि परबी एन ए प्लस आर 600 टा को मु कौन लिखि परबी एन बी प्लस आर हैला तापरे 800 टा को मु कौन लिखि परबी 800 टा को मु लिखि परबी एन सी प्लस आर अच्छा एबे आर टा को एपोर्ट साइड रे नि जिबा तो एन ए इज इक्वल टू 480 माइनस आर एन बी टा कौन होबो 600 माइनस आर एन सी टा कौन होबो 800 माइनस आर एबे मु कौन करबी ए तीन टा रु आर टा को एलिमिनेट कर देबी तो एलिमिनेट आर तो एलिमिनेट केमती करबी ए दीटा को सबस्ट्रैक्ट कर भी तो जदि मु दीटा को सबस्ट्रैक्ट करू छी मो वैल्यू टा कोन आसीबो फॉर एग्जांपल एन ए माइनस एन बी दिस इज इक्वल टू एन ए माइनस एन बी तो हबो नी काहे कि बड़ो संख्या टा दरकार ना तो रब कर दो तो बड़ो संख्या टा दरकार तो मु करबी एन बी माइनस एन ए दिस इज इक्वल टू मोर कौन आसो जदि ए दीटा को सबस्ट्रैक्ट करबी मो वैल्यूटा 600 माइनस 480 120 आसला हेमिति जदि मु करबी एन सी माइनस एन बी एन सी माइनस एन बी कले मोर आसी जीवो 200 हेमिति एन सी माइनस एन ए करबी तो एन सी माइनस ए एन ए कले केते 800 रु 480 गला 320 हैला तो मु कहि परबी एन सी बी माइनस ए इज इक्वल टू 120 एन सी माइनस बी इज इक्वल टू 200
एन सी माइनस ए इज इक्वल टू 320 ता मीनिंग आम कौन करवा मत एन दरकार अच्छी तो एन दरकार अच्छी तो भल कि मुझे देखी सबुरे मोर जदि यटा को दीटा संख्यार लिखा तो एन इंटु सम वैल्यू लिखाई मीनिंग कौन है ये सब केस मत एच सी एफ बाहर करार अच्छी एन बाहर करने मत एच सी एफ अफ 120 200 आउ 320 एच सी एफ बाहर करार अच्छे है तो फर्स्ट जिनस मुझे लिखी कि एच सी एफ अफ 120 200 120 को लिखिपरि 40 × 3 200 को लिखिपरि 40 × 5 300 को लिखिपरि 320 को लिखिपरि 40 × 8 तो ये सबुति कमन कौन अच्छे 40 तो दिस इज माय आंसर 40 इज माय आंसर तो एन रो वैल्यू कौन हम 40 हो जब तो ये बुझा जिनस कौन हो मत आंसर बाहर करने सबको सबस्ट्राक्ट करने को पड़ी बोले कौन जदि मत दि 480 600 आउ 800 तो मुझ करी या साथ सबस्ट्राक्ट करी तो ये आसब 120 या साथ सबस्ट्राक्ट करी 200 या साथ सबस्ट्राक्ट करी 320 ये कौन आसीगला ये आसीगला मोर यार वैल्यू आसब तार एच सी एफ बाहर करदेवि तो ये यार शॉर्टकट हो गला तो या जनरलाइज मेथड रे जदि मु लिखुची तो जनरल फॉर्म रे जदि मु लिखुबी तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग ए बी सी लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस तो मोर कह आसीज एक केसटा केमती आसब तो सल्यूशन केमती बाहर करवा एच सी एफ अफ ठीक अच्छे एच सी एफ अफ एबे मते डिफरेंस नंबर अच्छे तो मुझे लिखुची ए डिफरेंस बी कमा बी डिफरेंस सी आउ सी डिफरेंस ए एमती कहीं लिखिली कहीं सदा आम कौन बड़ संख्या को सान संख्या साथ सबस्ट्राक्ट कर ना तो 480 600 तो मुझे डिफरेंस बार कली तो 120 आसला कि ना ये डिफरेंस लिखिदे तो ये यार आंसर आसब ठीक अच्छे तो यार अच्छा ये क्वेश्चन टा पर करवा या वैरायटी रो आउ गोटे क्वेश्चन देखिदा तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 720 1480 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस तो ये वैरायटी आसला तो मुझे कौन करी मुझे बाहर करी डिफरेंस बिटवीन तो आंसर कौन हम एच सी एफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू तो दीज टू रो डिफरेंस केते आसला ये आसब 280 हला ये केसटा केते आसब एटा 280 आसब हला तापरे या ए दि जन को बाहर करबा ए दि जन को बाहर करले केते आसब ए दि जन को बाहर करले 520 आसब तापरे ए दि जन को बाहर करबा तो ये केते आसब 480 आउ 720 हले 20 500 240 हला तो ये 240 आसीगला अच्छा एबे मते कौन करियार अच्छे एबे मते एलसीएम बाहर करियार अच्छे तो एलसीएम किमती बाहर तो सबुठ फर्स्ट जिनस मिनिमम डिफरेंस देखा तो मिनिमम डिफरेंस के 40 एबे 40 280 से डिविजिबल अच्छी 40 520 से डिविजिबल अच्छी 40 240 से डिविजिबल अच्छी तो आंसर मोर कौन हो 40 एंड दिस इज माय आंसर बहुत टीचर्स कौन कहते या बहुत जगार पिला पढ़ुंट कि ग्रेटेस्ट जोठी आसला हेटी आम एच सी एफ लगेबु आउ लिस्ट जोठी आसला हेटी एलसीएम लगेबु एटा भूल धारणा कहीं मुझे गोटे क्वेश्चन आपंक देखा यूर आप जापर से कहला कि
48 रोज प्लांट अच्छी, रोज प्लांट 72 मारीगोल्ड प्लांट्स एंड 108 लोटस प्लांट्स हैज टू बी प्लांटेड इन अ रोज सच दैट ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ईच रो हैज प्लांट्स विद अ पर्टिकुलर वराइटी ओनली. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. एबे बुझिबा जिनसटा के ए टाइप रो क्वेश्चन किमिति करबा. तो फर्स्ट जिनस मते कोन करियार अछि एमति रोज रे प्लांट लगेबार अछि हैला. तो एमतिया रोज करिकि मते प्लांट्स लगेबार अछि आ प्रत्येक रो रे मु केतेटा केतेटा ये कोन करबी ए जो प्लांट्स लगेबी कि मोर ए जो रोज हब एटा लिस्ट हब ता मीनिंग कोन हब ता मीनिंग मते ईच रो रे मैक्सिमम प्लांट्स लगेबार अछि हैला. आउ प्रत्येक रो रे गुटे वैरायटी रो लागिवो. जदी रोज रो अछि जदी ए रो रे रोज रो अछि तो रोज ही लागिवो. जदी ए एथरे लोटस अछि तो लोटस ही लागिवो. जदी एठी मारीगोल्ड अछि तो मारीगोल्ड ही लागिवो हैला. तो चेंज हबनी. तो ए क्वेश्चन टा अबे हम केमति करबा. तो मते लिस्ट नंबर ऑफ रोज दरकार. तो लिस्ट नंबर ऑफ रोज केमति बाहरबो एथरे लिस्ट नंबर पई ईच रो हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स. तो ईच रो शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हैला. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स. तो ए केस रे मु कोन करबे मैक्सिमम किमिति बाहर कर परबा. मैक्सिमम बाहर करिया पई मते एचसीएफ बाहर करिया को पड़बो. एचसीएफ का रो 48 72 ओ आउ 108 रो एचसीएफ बार करियार पड़ो. तो मिनिमम डिफरेंस एटी केते अछि 24 अछि कि ने. तो गुटे मिनट 48 हां 24 आसला. अच्छा एबे 24 टा आसी गला. एबे मते मिनिमम डिफरेंस मिलि गला. बट 24 टा 48 साथे डिविजिबल होउची होउची बट 72 साथे भी होउची बट 108 साथे होनी. तो यार कोन करबी मु फैक्टर बाहर करबी. तो फैक्टर कोन आसीबो 12 आसीबो. एबे 12 या साथे होउची यस. या साथे होउची यस. या सत्र होची यस. तो मोर एचसीएफ ऑफ एचसीएफ 12 आसी गला. ता मीनिंग कोन हला कि मु प्रत्येक रो रे 12 टा प्लांट लगेबी. तो 12 टा जदी प्लांट लगेबी मोर लीस्ट नंबर ऑफ रोज तयार हेबो. एबे से पचाची केते टा तयार हेबो. तो मु जदी 48 टा मो पाखरे रोज प्लांट अछि आ मु 12 टा रोज प्लांट लगेबी तो मते 4 टा रो मिलिबो. प्लस जदि मो पाखरे 72 टा मारीगोल्ड प्लांट अछि आ 12 टा गोटे गोटे रो रे लगेबी तो मते कोन 6 टा मिलिबो हैला. तापरे मो पाखरे 108 टा लोटस प्लांट अछि आ मु 12 टा लगेबी तो मते कोन मिलिबो. मते ए केस रे 9 मिलिबो. तो टोटल कोन हेगला 19. आ 19 टा कोन आसी गला बे मोर 19 टा मोर आसी गला लीस्ट नंबर ऑफ रोस एंड दिस इज माय आंसर. ए जिनसटा बुझियार अछि हैला. जे बुझी पारु न वीडियो को आउ थरे प्ले करके देखो ठीक अछि. तो बुझी पारबे जिनसटा कोन होउछि. तो एमति क्वेश्चंस पूरा करियार अछि. तापरे नेक्स्ट देखिबा. तो हे गला हां एठी मते कोन एचसीएफ बाहर करियार अछि. तो एचसीएफ बोले कॉमन जिनस. तो मु 12 को लेखि परबी 3 × 4. 20 को लेखि परबी 5 × 4. 24 टा को लेखि परबी 6 × 4. तो कॉमन कोन अछि सबु थरे 4 हैला. नेक्स्ट आसला कोन एठी ए स्क्वायर अछि एठी ए अछि आ एठी ए टू द पावर 6 अछि. तो तीन टा कर कॉमन कोन आसीबो ए. एठी बी क्यूब अछि एठी बी अछि एठी बी टू बी स्क्वायर अछि. तो एथरे कॉमन कोन आसीबो अगेन बी. एबे एठी सी टू द पावर 4 अछि एठी सी टू द पावर 10 अछि आ एठी सी टू द पावर 8 अछि. तो कॉमन कोन आसीबो सी टू द पावर 4. डी 8 कुठि भी नै खाली ए जगह रे अछि. तो दिस इज माय आंसर. आपण ए क्वेश्चंस पूरा टोटल ओरली करि परिबे. इमतिया क्वेश्चंस जदी आसु छि ओरली जिंस ओरा करि परिबे. आ इमतिया क्वेश्चन आसु छि मु पी